हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपको पेपर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाई हूँ जो भूगोल से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक कोला भंडार पाए जाते हैं झारखंड। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। नागालैंड के पर्वत क्रमश बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख उदाहरण है झूम कृषि। मौसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीर की आकृति की होती है। बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। क्षेत्रफल के क्रमांक में भारत के तीन बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सरदी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम घाट। जवाहर सागर, राणा सागर, प्रताप और तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? जामनगर। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? केरल में। बाढ़ सागर और पेन सागर किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। लोनार जिला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील से दूर तक है? 12 मील से। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। बिहार का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है? ये सभी। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कोलकाता। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका। निम्नलिखित नदियों में से एक कौन सा एक विनाशकारी नदी कहलाती है? कोसी। इस भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इंदौर के समीप स्थित जापान पर पहाड़ी सोत्र है चंबल नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? चंबल नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।